So today classes, we are going to discuss the topic the एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. सो लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू गाइस. हियर वन और टू क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. यू हैव टू जस्ट रिवाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर. बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जो टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं बेटा, वो टॉपिक का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस पेपर आफ्टर रीड द एनसीईआरटी वंस और टू टाइम्स. मान लीजिए मैं अभी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके बाद आप क्या कीजिए, वन टू टू टाइम्स यू मस्ट बी प्रैक्टिस द एनसीईआरटी. यू हैव टू स्टडी द एनसीईआरटी. फर्स्ट रीड द एनसीईआरटी केयरफुली लाइन बाय लाइन. ये चैप्टर को एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो है, इसको बेटा आप क्या करो, पहले रिविजन कर लो, पहले स्टडी कर लो, पढ़ लो. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर्स नीट क्वेश्चंस पेपर. सो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको एक मतलब लॉजिक लग जाएगा कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. आपको नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल से कौन सी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी टाइप की, कितने प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा बेटा. ठीक है ना? तो मनोरंजन नायक बाबू आपने ज्वाइन कर लिया. मनोरंजन यस सर. हाँ सर. ओके वेरी गुड. ठीक है. So today we are going to discuss the nervous system in cockroach. So can you tell me, just tell me about the human nervous systems. You know that human में nervous systems होता है बेटा. You know that हमारे body में hypothalamus gland होते हैं. Can you tell me hypothalamus gland? So hypothalamus gland is the master of pituitary gland कहते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं pituitary gland is the master of endocrine systems. हमारे बॉडी में दो सिस्टम्स है, वन इज द नर्वस सिस्टम, अदर वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम. सो यू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम्स में जस्ट लाइक आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में आपको देखने को मिलेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं नर्वस सिस्टम्स में. लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम्स में कौन कौन बात कर रहे हो, आप म्यूट करो बेटा. बट एंडोक्राइन सिस्टम्स में क्या होता है, आपको बेटा एंडोक्राइन ग्लांड्स देखने को मिलेगा. ठीक है ना? टोटल आपको कितने प्रकार के ग्लांड्स होता है बेटा, थ्री टाइप्स का ग्लांड्स होता है ना. क्या क्या होता है बेटा ग्लांड्स, एंडोक्राइन ग्लांड्स, एक्सोक्राइन ग्लांड, मिक्स ग्लांड. और मिक्स ग्लांड इज कॉल्ड कंपोजिट ग्लांड. क्या कहते हैं उसको, कंपोजिट ग्लांड. तो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या होता है, टॉकलेस ग्लैंड होते हैं, जो कि हार्मोन्स को, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स और हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करने का काम करते हैं. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे यस सर नो? प्रतीक जी, ऋतिक जी, करिश्मा जी, यस सर. ओके वेरी गुड, वेरी गुड. अंकित बाबू, ओके वेरी गुड. तो नेक्स्ट बेटा, आई टोल्ड यू एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या होता है, डक्ट प्रेशर वाले ग्लैंड. I give you example like कहाँ पे डॉक्ट प्रेजेंट होते हैं, कौन बताएगा? सालिवारी ग्लैंड हो गया, शेस ग्लैंड हो गया, और क्या हो सकता है, और कहाँ पे होता है बताओ. हेलो, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल बताओ जी. करिश्मा जी बताइए, दिव्यांशी. ओके, जितना भी डॉक्ट प्रेजेंट वाले ग्लांड्स हैं सब आपका एक्सोक्राइन है. और मिक्स ग्लांड में आपका आ जाएगा पेनक्रियस. पेनक्रियस इज द कंपोजिट ग्लांड, वहां पे आपको एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों देखने को वहां पे मिलेगा. तो बेटा हाइपोथैलेमस ग्लांड में न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं. बाय द हेल्प ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स द हाइपोथैलेमस ग्लांड्स which are highly essential or responsible to secrete the two types of releasing hormone. One is the
GnRH, gonadotropin releasing hormone. Other one is the somatostatin, that is the inhibiting hormone. All of you clear now? GnRH, gonadotropin releasing hormone. और दूसरा है इनिबेटिंग हार्मोन, जो इनिबेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टॉप करने के लिए काम करता है, कंट्रोल करने के लिए काम करता है, उसको कहते हैं सोमाटोस्टेटिन. ठीक है. सो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये दोनों टोटल क्या करते हैं? हमारे बॉडी की टोटल एक्टिविटी को, हमारे बॉडी की टोटल ऑर्गन सिस्टम्स को एक कंट्रोल करने का, इनकोर्डिनेट करने का काम करते हैं. इसीलिए तो चैप्टर नंबर 21 और 22 में ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम. कैसे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोलर इंटीग्रेट करते हैं टोटल बॉडी सिस्टम. So, hypothalamus is the master of pituitary gland. इसलिए कहते हैं, because they can control both the nervous system as well as endocrine system. Hypothalamus gland एक ऐसा gland है बेटा, जो कि endocrine और nervous system से जुड़ने को control करता है. ठीक है. तो वहां पे जैसा ब्रेन होता है, न्यूरॉन्स होता है, क्या होता है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम और ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरॉन, जिसमें सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, सिनाप्टिक, ये सब देखने को आपको मिलेगा. इट इज द लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल. ठीक है. जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन और स्टिमुलस को जेनरेट करते हैं, और डेंड्राइट्स के माध्यम से टुवर्ड्स द सेल बॉडी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और एक्सॉन के माध्यम से हम भेजते हैं. तो एक न्यूरॉन की डेंड्राइट अगर दूसरे न्यूरॉन की एक्सन के साथ अगर अटैच होता है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जेनरेट करता है. ये सभी को पता है. न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी सभी को पता है. तो यहाँ पे ऐसा कॉकरोच में कैसा नर्वस सिस्टम्स होता है, इसका ब्रेन को क्या कहते हैं, हमारे में जैसा ब्रेन बोलते हैं इसके में क्या कहते हैं, अरे कॉकरोच हमारे में स्टोमाक कहते हैं, कॉकरोच में क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं, हमारे में किडनी कहते हैं, कॉकरोच में क्या कहते हैं, मालफिजेंट ट्यूबल्स कहते हैं कि नहीं. ऐसे कॉकरोच में ब्रेन को क्या कहते हैं, गेंगलिया कहते हैं. क्या कहते हैं? गेंगलियन कहते हैं. क्या कहते हैं? गेंगलिया और गेंगलियन कहते हैं. सुप्रा ओइसोफेंजियल गेंगलियन. कॉकरोच की ब्रेन को क्या कहते हैं अभिषेक बाबू, बोलोग बेटा, क्या कहेंगे? रंजन बाबू, सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा? सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन. नोट इट, नोट कर लो. ये नोट आपको पीडीएफ में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा. ठीक है. एम फॉर एम्स में मिल जाएगा, नवोदय क्लासेस एम फॉर एम्स टेलीग्राम चैनल है. ठीक है. सो अब देखेंगे कॉकरोच की नर्वस सिस्टम के बारे में आपको. So, क्या होता है कॉकरोच की बॉडी में बेटा? सेगमेंट होता है, बहुत सारे सेगमेंट होता है. यहाँ पे मेडिकल में क्वेश्चंस पूछेगा, वो क्वेश्चंस मैं पहले बता देना चाहता हूँ, नहीं पहले मैं नहीं बता देना चाहता हूँ, पहले आपको पढ़ा देना चाहता हूँ. तो देखो, इट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जॉइंट बाय टियर रंगी चुटनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड. अगर एक वेंट्रल साइड के थ्रू से हम लोग एक कॉकरोच की स्टोरी कर रहे हैं, इसका डोर्सल पार्ट के थ्रू से नहीं, तो वेंट्रल साइड के थ्रू से जब कट करके देखोगे तो वहां पे बेटा प्यार बाय प्यार होके गैंग्लियन वहां पे ज्वाइन हुआ होता है. ठीक है. गैंग्लियन ज्वाइन हुआ होता है, वहां पे आपको गैंग्लियन देखने को मिलेगा. लंगी चुटनली पूरा आपको ट्रांसवर्सली नहीं है, ऐसे लंगी चुटनली आपको गैंग्लियन देखने को मिलेगा. प्यार बाय प्यार अरेंज छोटे गैंग्लिया ज्वाइन हुआ होता है लंगी चुटनली वेंट्रल साइड में. और बेटा देखेंगे थोराक्स पार्ट, जो मिडिल पार्ट होता है कॉकरोच का, वहां पे कितना गैंग्लिया होता है? 3 गैंग्लियन होते हैं. और एब्डोमेन में कितने होते हैं बेटा? 9 गैंग्लियन होते हैं. अरे कितने होते हैं जी? 9-6 होते हैं एब्डोमेन में, और 3 होते हैं कहां पे? थोराक्स में. तो 3+9 कितना हो गया बेटा? 3+6 कितना हो गया रे? 9 गैंग्लियन हो गया. और हेड पार्ट में कितना होता है? फ्यूज होके एक सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन होता है. तो 9+1 कितना हो गया? 10. हेड रे गुट्टे,
थोरक रे तीनटा चारटा आउ एब्डोमेन रे छटा 4 प्लस 6 केते हला 10 टा त काक्रोच रे केतेटा गैंग्लियन थिसिगो ब्रेन थिसिगो 10 टा थिसिगो गुटे दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा छटा चारटा आठटा नौटा दस टा बुझल कि ना बुझल ग बाबू माने ग प्रीतिका आकाश बाबू आकाश मिश्र पुरंदर बाबू समझ में आया मैंने क्या कहा? अरे ये शर्नो yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये था, काकरोच की हेड को अगर आप काट भी देते हो तो काटने के बाद भी काकरोच स्टिल मतलब एक हफ्ता के आसपास तक सर्वाइव करता है, लाइव करता है, जिंदा रहता है, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? आपकी आपकी हेड को काट देने से आप जिंदा रहोगे क्या? ऋतिक बाबू बता सकते हैं आप जिंदा रहोगे? अंकित बाबू आप बताओ जिंदा रहोगे? अभिषेक बाबू जिंदा रहोगे क्या? नहीं ना। मनोरंजन बाबू बोलो, काकरोच की हेड को अगर काट देंगे बेटा तो 6-7 दिन तक क्यों सरवाइव कर जाता है हेड को काटने के बाद? मनोरंजन नाइक यस सर बताओ बेटा, पता है कि नहीं सर? उसका जो उधर भी रहता है सर। अभिषेक तुम बताओ बेटा, लिखा हुआ है? अरे बताओ जल्दी यार, ये क्वेश्चन आया है मेडिकल में पहले भी। लॉग आउट हो जाएगा तो लॉग इन कर लेना फिर से, बोलो जल्दी बोलो। तो नर्वस सिस्टम उसका हेड में थोड़ा सा रहता है और वेंट्रल पार्ट में ज्यादा रहता है। वेरी गुड एग्जैक्टली। तो क्या होता है, इसका जो हेड पर्सन होता है यहाँ पे एक बीड साइड एक ही छोटा सा पार्ट होता है, बाकी नर्वस सिस्टम सारा वेंट्रल साइड में। कॉकरोच में देखेगा यहाँ पे सारा वेंट्रल सिस्टम में इसका क्या होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसीलिए कॉकरोच मतलब हेड कार्ड देने से भी मतलब ये नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है बोल के टिल 1 वीक तक, एक हफ्ते के आसपास तक जिंदा रहता है। इसके बाद सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्रियन जिसको ब्रेन कहते हैं वो क्या करता है, सप्लाई नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड है। कॉकरोच के पास जो एंटीना है 1 pair ऑफ एंटीना, और कॉकरोच के पास क्या है रे, कंपाउंड आए है, तो वहां पे क्या सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, अब बेटा आपको मेडिकल में क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है कौन कौन सा सेंस ऑर्गन होता है कॉकरोच में। कॉकरोच की सेंस ऑर्गन क्या क्या होता है, एंटीना होता है, आइस होता है, मैक्सिलरी पल्प होता है और लैबियल पल्प होता है और एनल करके जो होता है, ये सब सेंस ऑर्गन है कॉकरोच का, ये याद रखना। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा कॉकरोच की सेंस ऑर्गन नहीं है, सो आपको याद होगा तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर और करेक्ट रेस्पॉन्स। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? ओके वेरी गुड। सो सेंसरी रिसेप्टर काम कौन करता है, एंटीना। एंटीना सेंसरी रिसेप्टर का काम करता है क्योंकि बेटा ये एनवायरमेंट में इर्द गिर्द में चारों तरफ पर्यावरण एनवायरमेंट में कॉकरोच को अपना खाना ढूंढने में, एनिमी से दूर भागने से, एक जगह से दूसरे जगह जाने में एनवायरमेंट में मॉनिटर करने का काम कौन करता है, एंटीना करता है। इसीलिए जो एंटीना एंटीना बोला इटाजेन बाहरी कंपाउंड आएगा, तो ये दोनों सेंसरी रिसेप्टर भी कहते हैं। सो और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेडिकल में क्या आ सकता है, दिव्यांशी जी, करिश्मा जी, ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया। कितना ओमाटीडिया होता है, 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया।
हमारे आय में क्या होता है, जैसा रेटिना होता है ना, जो कलर विजन को शो करता है, जिसमें बाइपोलर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल, गैंग्लियन सेल्स होते हैं, तो ऐसे बेटा